हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मिंट स्वीट लाइम सोडा की रेसिपी शेयर करूंगी जो झटपट बन जाती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे तैयार होती है। मिंट सोडा लेमनेड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर जार ले लेंगे और उस पर आप इस तरीके से छन्नी रख लीजिए। और यहाँ पे मेरे पास नींबू है, इस तरीके के मैंने 2 नींबू लिए हैं। इसका रस हम निकाल लेंगे। हमने 2 नींबू का रस निकाल लिया है और इस तरीके से हम 2 चम्मच छोटा चम्मच पानी भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1-2 चुटकी नमक का डाल लेंगे। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है, इसे डाल लेंगे। 1/2 कटोरी हम पुदीना की ले लेंगे। पुदीना जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा है। यहाँ पे मेरे पास इस नाप का 5 चम्मच शक्कर है। अगर आप शक्कर कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम डाल दीजिए, लेकिन क्योंकि ये स्वीट लेमनेड है तो इसमें थोड़ा सा शक्कर जाना ही चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े हैं, इसे डाल देंगे। अब इसे बंद करके हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। लगभग 1/2 मिनट मैंने इसे पीस लिया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ डाली थी तो हमारा जो इसका कलर है पुदीने का वो रिटेन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्लेन सोडे की बॉटल है, इसे हम खोल लेंगे। इस सोडे को मैं डायरेक्ट इस मिक्सचर जार में डाल दूँगी। बिल्कुल आराम से डालिए क्योंकि फिर सारा बाहर आ जाएगा। कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। यहाँ पे मेरा सर्विंग ग्लास भी रेडी है और अब हम हमारे जो लेमनेड है इसको हम पोर कर लेंगे। और हमारा लेमनेड सोडा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही हेल्दी होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और इतनी गर्मी में अगर आप इसे रोज़ पियेंगे तो आपका पूरा सिस्टम कूल रहेगा अंदर। इसे आप ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।